महाकाल की नगरी में आपको बता दें सटोरियो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और सटोरियो से 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों से 7 देशों की करेंसी बरामद हुई। T20 वर्ल्ड कप पर सट्टेबाजी चल रही थी और उसके बाद ये पूरी बरामदगी। सटोरियों से 9 सटोरियों की गिरफ्तारी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से। देखिए किस तरह से सटोरियों के खिलाफ बड़ी। नोटों के इस अंबार को गिनते गिनते कोई भी थक जाए। जाहिर है रकम ही इतनी बड़ी है। ये नोट 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 15 करोड़ हैं। गिनते गिनते पूरी रात बीत गई। नोटों की 3000 गड्डियों को देखिए। उज्जैन में सटोरियों के इस ठिकाने से 7 देशों की करेंसी मिली है, यानी सटोरियों के तार विदेशों से भी जुड़े हैं। दरअसल 13 जून को मुखबिर से खबर मिली थी कि ऑनलाइन गेमिंग के साथ यहां अमेरिका में जारी T20 वर्ल्ड कप के मैचों पर भी सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस की टीम ने इस खेल को बेनकाब करने के लिए 2 जगहों पर छापेमारी की। सबसे पहले टीम ने उज्जैन के नील गंगा थाना क्षेत्र में एक घर पर छापेमारी की और दूसरी दबिश खारा कुआं थाना क्षेत्र के एक मकान में दी गई। दोनों ही घर पीयूष चोपड़ा नाम के शख्स का है, वो अब तक फरार है। फरार आरोपी पीयूष अपने काम को अंजाम देने के लिए हाईटेक तकनीक की मदद देता था। उसने एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया और फिर उसके बाद अलग अलग सटोरियों से जुड़ गया। 9 लोग जो ऑपरेटिव थे उनको हिरासत में लिया गया है और इसके अलावा एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा जो मुख्य आरोपी इंगित हुआ है वो फिलहाल अभी पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस टीमें उस पर भी लगी हुई हैं, जल्दी उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। और चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि उज्जैन में सट्टा छापे में आखिर क्या क्या मिला है। 41 आपको बता दें मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, 19 लैपटॉप भी बरामद हुए हैं, 5 मिनी पीसी मिले हैं, 2 पेन ड्राइव्स हासिल हुई, 3 मेमोरी कार्ड हैं और 7 देश की करेंसी की बरामदगी हुई है। तो जो बरामदगी उज्जैन में सट्टे के पूरे कारोबार में जो खुलासे हो रहे हैं, जो बरामदगी हुई है ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से समझाते हुए। बिल्कुल, और लगातार आप देखिए किस तरह से उज्जैन में ये बड़ी कार्रवाई और T20 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं ये सट्टा लगा रहे थे। Z News.